टॉपिक है जी ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके कंप्यूटर को चलाने में, आपके कंप्यूटर को रन करने में, आपको सारी फैसिलिटीज़ देने में सबसे बड़ा किरदार जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। किसका है? हमने एक टॉपिक पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का, याद होगा आप लोगों को। मैंने दो टाइप्स बताई थी सॉफ्टवेयर की, कौन कौन सी थी? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मेन टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपकी जो मेन टाइप है, आपका जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, चलते हैं लेक्चर की तरफ। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है दैट मैनेज कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड्स कॉमन सर्विसेज फॉर कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर के वसाइल का इंतज़ाम करता है। मतलब हार्डवेयर को भी मैनेज करता है, सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है। मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास पुराने सिस्टम होते थे, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे, हम वो इंस्टॉल कर लेते थे तो कभी वीडियो सही नहीं आ रही होती थी, तो कभी साउंड सही नहीं आ रहा होता था, कभी उसमें प्रिंटर का ड्राइवर नहीं मिल रहा होता था। तो होता क्या है कि जब आप वो ड्राइवर उसमें इंस्टॉल करते हैं तो ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम उनको बताता है आपको कि भाई आपके पास अगर वीडियो कार्ड का ड्राइवर नहीं है, चला दिया इसको, अगर आपके पास साउंड कार्ड का ड्राइवर नहीं है तो ये फैसिलिटी मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, अच्छा, और क्या करता है? कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए आम खिदमात फराहम करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम कितनी टाइप्स के हैं, पहले आप समझें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आजकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं इनको हम कहते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI का मतलब क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब आपको सारी चीज़ें वो ग्राफिकली दिखा रहा है, यूज़र को सारी चीज़ें वो ग्राफिकली दिखा रहा है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आजकल जितने भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे हैं। इससे पहले होता क्या था, हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम थे, एक है सिंगल टास्किंग एंड मल्टी टास्किंग। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में फ़र्क क्या है? सिंगल टास्किंग वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक वक्त में एक बंदा एक ही काम कर सकता है। क्या कर सकता है? एक वक्त में एक यूज़र एक ही काम कर सकता है, दूसरे काम नहीं कर सकता। मल्टी टास्किंग क्या है? एक वक्त में एक यूज़र बहुत सारे काम कर सकता है, एक वक्त में एक यूज़र बहुत सारे काम कर सकता है। आज से कुछ अर्सा पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम आया था जो कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता था, उसको हम कहते थे डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस था, लाइनिक्स था, यूनिक्स था, उसमें एक वक्त में आप एक ही काम कर सकते थे। अगर आपने फ़ाइल बनानी है तो आप फाइल बना सकते थे, आप उसमें कोई चीज़ टाइप करनी है तो टाइप कर सकते थे। मल्टी टास्किंग नहीं था, एक ब्लैक स्क्रीन होती थी, कोई आपको वीडियो नहीं दिखती थी, कोई आपको ग्राफिक नहीं दिखता था, कोई चीज़ नहीं दिखती थी, सिर्फ एक जो है वो ब्लैक स्क्रीन होती थी। उसमें आप कमांड्स के थ्रू, अगर आपको कमांड्स याद हैं तब आप काम कर सकते थे, अगर कमांड्स याद नहीं होती थी तो क्या होता था, आप कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो मल्टी टास्किंग का ये फ़ायदा हुआ कि आपको उसने बहुत सारे काम करने के लिए दे दिए। अब जब विंडोज़ आ गया तो विंडोज़ ने क्या किया कि ग्राफिकली चीज़ें आपको दी। आप पेंट पे काम करो, आपने पेंट को मिनिमाइज़ कर दिया, आपने एमएस वर्ड पे काम शुरू कर दिया, वर्ड पेंट पे काम शुरू कर दिया, आपने उसका ग्राफिकली जो वॉलपेपर है उसको चेंज कर दिया आपने। मतलब ये है कि आप उसमें मल्टी टास्किंग मतलब यूज़ करते हुए आप एक वक्त में एक यूज़र बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, सिंगल एंड मल्टी यूज़र,
एक है सिंगल टास्किंग मल्टीटास्किंग, एक है सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। सिंगल यूज़र क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि डॉस में एक ही बंदा एक ही काम कर सकता था, या आजकल जो विंडोज़ है उस पर भी यूज़र एक ही काम कर सकता है, ठीक है, एक ही यूज़र काम कर सकता है। मल्टी यूज़र क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे बहुत सारे लोग काम ले सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेन फ्रेम सिस्टम है, उनके अंदर भी तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे जो सबको ऑपरेट कर रहे हैं ना। वो आपके पास तो बज़ाहिर एक ही सिस्टम चल रहा है, आप अपना एक ही काम कर रहे हो, लेकिन वो जो बड़े बड़े सिस्टम्स हैं उनके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, कि एट अ टाइम उससे बहुत सारे लोग काम ले सकते हैं, उससे वो इनपुट दे सकते हैं और उससे आउटपुट ले सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड भी इन्हीं मल्टी यूज़र के हिसाब से चलाए जाते हैं, टेम्पल्ड हैं, एम्बेडेड हैं, रियल टाइम है, लाइब्रेरी हैं, ये डिफरेंट टाइम के जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस वक्त जो कंप्यूटर में आपके पास चल रहे हैं वो ज़्यादातर चल रहे हैं आपके पास सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग चल रहा है और मल्टी यूज़र चल रहा है आपके पास, ठीक है। ये फिर मुख्तलिफ डिवाइसेस के लिए, जैसे इन्होंने आईपॉड बना दिया था एक, वो मैंने आपको बताया था छोटा सा कंप्यूटर बनाया था जो पॉकेट में आ जाता था, वो उसके लिए फिर इन्होंने टेम्पल्ड की तरह एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ था जिससे आप मखसूस चीज़ें जो है वो कर सकते थे, एड्रेस बुक को मैनेज करना, ईमेल वगैरह करना, इस तरह की चीज़ें जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट आपकी टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके हार्डवेयर और यूज़र को मिलाता है। क्या करता है बेसिकली, इसका काम क्या होता है, इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। अगर आप